हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ रूम सोलर और ये जून सोलर का आपको एम्पियर टेस्टिंग, ये दोनों मिलके कितना एम्पियर बना देता है। और आज का मौसम जो है वो पूरा ही एकदम शांत है, मतलब धूप नहीं है, तो इस मौसम में हम चेक कर लेंगे दोनों में पैनल मिलके कितना एम्पियर दे रहा है। तो पहले तो हम ये आपको दिखा देते हैं कि ये कितना कितना वाट का पैनल है। ये है लूम सोलर का 1 किलोवाट का पैनल, जो कि ये 455 वाट का और ये 455 वाट का है। और ये जो पैनल है ये बाय फेसियल पैनल है, ये दोनों कनेक्शन मिल के तार यहाँ पे किया है। और यहाँ पे ये जो पैनल है जून सोलर का, तो यहाँ देख सकते हो जून सोलर का, तो इसका कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे आप चार देख रहे होंगे MC4 कनेक्टर में कनेक्ट किया हुआ है ये वायर और इसका वायर। और एक और पैनल है जो कि ये हो गया पॉली पैनल है, ये PV पावर टेक कंपनी का 290 वाट का पैनल 24 वोल्ट का है। इसका यहाँ पे वायर मैंने खोल दिया हूँ फिलहाल, इसको मैं अभी ऐड नहीं किया हूँ। यहाँ देख सकते हो और यहाँ पे लूम सोलर लिखा हुआ है, ये लूम सोलर कंपनी है का है। और ये 455 वाट का है, 1 किलोवाट का पूरा फुल सिस्टम है ये। और ये हो गया आपको 390, तो लगभग ये आप कह सकते हो कि 1.5 किलोवाट का सिस्टम एक टाइप का। तो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है इसका डिटेल, यहाँ देख सकते हो लूम सोलर 455 वाट लिखा हुआ है। शॉर्ट सर्किट करंट लिखा हुआ है 11.55 एम्पियर। और यहाँ पे मैक्सिमम पावर वोल्टेज लिखा हुआ है 42.30 वोल्ट, मैक्सिमम पावर करंट 10.80 एम्पियर यहाँ। तो सूरज आप देख सकते हो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है और कोई गर्माहट भी नहीं है अभी फ़िलहाल। और अभी हम दोनों पैनल का एक साथ चेक कर लेंगे। टोटल तीन पैनल हो गया, ये हो गया 2 पैनल लूम सोलर का और यहाँ पे तीनों पैनल का कनेक्शन किया हुआ है। तो हम अब नीचे चल के देखते हैं क्या एम्पियर अभी आ रहा है और टाइम भी दिखा देते अभी कितना बज रहा है। और आपको जैसे बता दिया था ये पॉली पैनल कनेक्ट नहीं है, तो हम नीचे आ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हो अभी दिन के लगभग 10:15 लेट है, 9:45 हो रहे हैं। और इस टाइम आपको एम्पियर यहाँ का चेक करा देते हैं, 8.8 एम्पियर सोलर से आ रहे हैं और 20 एम्पियर से बूस्ट होके चार्ज हो रहा है। तो ये अभी के टाइम में और इस मौसम में काफ़ी अच्छा एम्पियर आ रहा है सोलर से और बूस्ट होके काफ़ी अच्छा से चार्ज हो रहा है। तो इस टाइम भी इतना एम्पियर देना नॉर्मल पैनल होता तो या पॉली पैनल होता तो नहीं देता। अभी दिन के 12 बज गए हैं और अभी चेक कर ले रहे हैं, अभी भी मौसम ऐसा ही है, कोई धूप वूप नहीं आया है। तो दिन के 12 बजे थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, पूरा बादल से सूरज घिरा हुआ है, सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला है और अभी भी 3 पैनल ही कनेक्ट है, ये दोनों और वो दोनों। तो हम ये पैनल का करंट आपको नीचे जाके दिखा लेंगे। तो ये दोनों है 12 वोल्ट का जिसको बताया था सीरीज में है और ये कनेक्ट नहीं है जैसे पहले आपको बता चुका हूँ। तो ये मेरा जो पैनल है नया वाला ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और लूम सोलर का सबसे बेस्ट पैनल माना भी जाता है। और ऊपर से ये बाय फेसियल पैनल है तो आप इससे ज़्यादा करंट ले सकते हो। तो वो कैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, कैसे लेना है वो बता दूँगा आपको। तो फिलहाल इस वीडियो में आपको जो करंट दिखाने वाले हैं 12 बजे के टाइम में आपको नीचे आ गए हैं और दिखा देते हैं 12 बजे कितना करंट ये एम्पियर आ रहा है सोलर से। 12.3 एम्पियर सोलर से आ रहा है इस मौसम में और बूस्ट होके 26 एम्पियर से ये चार्ज हो रहा है। तो और अभी तक इसका जो है 1837 यूनिट बना चुका है। तो आपने देखा इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा से काम कर रहा है। और शाम में अगर 3 बजे चेक कर लेते हैं कि 3 बजे इस मौसम में कितना काम कर रहा है, तो ऐसे तो मेरा बैटरी जो 2 से 8 का वो फुल चार्ज हो ही गया है। तो यहाँ पे 6.4 एम्पियर दिखा रहा है सोलर से और 14.4 एम्पियर ये अभी बूस्ट होकर चार्ज हो रहा है। तो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद घर का जो लोड है बस उसी का ये एम्पियर अभी दिखा रहा है, क्योंकि जो बैटरी का है वो कैपेसिटी पहले से कम हो गया इसलिए उतना चार्ज नहीं ले पाता। तो यदि आप सोच रहे हो सोलर लगाने का तो आप ये बिल्कुल पैनल ले सकते हो जो कि लूम सोलर का है।
बाईफेशियल ले सकते हो आप, ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो। अभी का जो प्राइस है ऑनलाइन वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और तो जो पैनल है वो थोड़ा सा ही हीट है, क्योंकि मौसम पूरा नॉर्मल है, यदि धूप रहता है तो काफ़ी हीट हो जाता है। तो इस सोलर का काम है कि कम धूप में भी आपको अच्छा चार्ज देगा, जैसे कि आज धूप ही नहीं है, बिना धूप का ही इतना अच्छा चार्ज दे रहा है। मैंने बैटरी फुल चार्ज कर दिया बिना धूप का ही। तो आज की वीडियो में आपने देखा ये लूम सोलर और जूम सोलर मिलके कितना अच्छा, बिना धूप का भी ये बैटरी को फुल चार्ज कर दिया ताकि रात के लिए मुझे बैकअप मिल जाए। और जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि धूप नहीं रहेगा तो सोलर कैसे काम करेगा, मतलब उसको फिर बिजली यूज़ करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप अच्छा पैनल लेते हो, जैसे कि मैंने लूम सोलर का परचेज़ किया हूँ तो यह सबसे बेस्ट पैनल है अभी तक में, और सब भी कंपनी अच्छा है लेकिन लूम सोलर मैं यूज़ किया हूँ तो अभी का इसका मैं बता सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छा पैनल है, आप ले सकते हो लूम सोलर का। आपको कोई और बेस्ट लगता है तो भी ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप सबसे बेस्ट लूम सोलर ही लो। और इसमें बाईफेशियल जो पैनल आता है वो जो मैंने लिया है ये काफ़ी अच्छा है। ये जूम सोलर 12 वोल्ट उसके लिए है जो थोड़ा सा कम बजट में लेना चाहता है, तो वो आप ले सकता है। लेकिन अभी का जो बजट देखा जाए लूम सोलर का जो प्राइस ऑनलाइन है वो काफ़ी कम है, तो आप 1 किलोवाट के सिस्टम में आप ये लूम सोलर का ले सकते हो। और ये कनेक्टर वनेक्टर तो आप ऐसे परचेज कर ही सकते हो, कनेक्ट करने के लिए अपने हिसाब से क्या पैनल ले रहे हो। यहाँ देख सकते हो लूम सोलर का ब्रांडिंग है। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इससे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। और कोई भी क्वेश्चन हो सोलर को लेके तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।